हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑसम वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने गेमिंग चैनल को जीरो से हीरो तक लेके जा सकते हो। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा गेमिंग चैनल का जो अर्निंग है वो टेक चैनल से ज्यादा हो गया। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस फील्ड में बहुत ही अच्छा करूंगा, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, जिसके बाद से आप अप्लाई करोगे ना तो आपके चैनल पे व्यूज प्लस सब्सक्राइबर वो भी बहुत ही रफ्तार से बढ़ेंगे। तो गाइस, फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। बट उससे पहले, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो ब्रांडेड बॉय लव है, तो आप उनके चैनल को एक बार जाकर चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको भी हमारे वीडियो में फीचर होना है तो सिंपली वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में कमेंट जरूर करना होगा। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे एकदम ध्यान से जरूर सुनना कि गाइस, आपको किस टाइप की कंटेंट अपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। एंड आप अगर सोच रहे हो कि 25 किल 30 किल वाले वीडियोस अपलोड करके आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप समझ रहे होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि आपने 25 किल वाले वीडियो अपलोड किया, एंड यही काम तो बड़े स्ट्रीमर भी करते हैं, यही काम तो स्काउट ओपी या रूफ एफएफ भी करते हैं, तो आपकी वो वीडियोस क्यों देखेंगे अपने फेवरेट स्ट्रीमर की छोड़ के। तो आपको करना क्या है कि ट्यूटोरियल वीडियो लाना होगा, जैसे कि आप कैसे क्लोज रेंज में जीत सकते हो, क्लोज रेंज की सबसे बेस्ट गन कौन सी है, एंड फ्री फायर में वन टैप हेडशॉट कैसे दे सकते हो। तो गाइस, कुछ इस टाइप की वीडियोस आपको अपलोड करनी होगी। एंड मैं जो बोल रहा हूँ ना कि गेमर्स लोग होते हैं ना, उन्हें ये क्यूरियोसिटी होती है अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, तो कुछ इस टाइप की वीडियोस जब वो देखेंगे ना, तो 10 में से 5 लोग तो हैं ही कि वो ओपन करके देखेंगे। एंड ऐसा होगा तो आपको वहाँ से बहुत सारे व्यूज़ भी मिलेंगे एंड सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, एंड इसी तरह से आपकी जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एंड मैंने बहुत सारे चैनल्स को ओपन करके देखा है, वो बोलते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो भाई, आपका चैनल ग्रो कैसे करेगा? आप 1 महीने पहले वीडियो डाले हो, 3 महीने पहले वीडियो डाले हो, 6 महीने पहले वीडियो डाले हो, आपको तो यूट्यूब भी भूल जाएगा कि इस नाम का कोई बंदा भी था चैनल पे। तो गाइस, आपको करना क्या है कि आपको एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। आप 1 हफ्ते में 1 वीडियो डालो, बहुत ही तगड़ा डालो, आप 1 हफ्ते में 2 वीडियो डालो, 3 वीडियो डालो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो, मुझे इतनी वीडियो डालनी है 1 हफ्ते में। इस तरह से क्या होगा कि आपको मतलब रेगुलर आपको इंप्रेशन आपका बढ़ते जाएगा, एंड जब बढ़ते जाएगा तो आपका कोई ना कोई वीडियो तो ऐसा जरूर होगा जो बहुत ही अच्छा होगा एंड बहुत ही लोगों को पसंद आएगा। तो जब वो पसंद आने लगेगा तो वीडियो वायरल जरूर होगा, एंड जब आपकी वीडियो एक वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो आपको लोग जानने लगते हैं, एंड आपका जब कॉन्टेंट अच्छा रहेगा तो जानेंगे, तो आपको व्यूज़ के साथ साथ वॉच टाइम भी मिलेगा, एंड फिर आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो करेगा। तो ये एक चीज आपको और भी ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। तो गाइस, यहाँ पे अब हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट के बारे में, जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स है। एंड आपको तो पता ही होगा कि आजकल कितना जल्दी ये वायरल हो रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आपको इसका यूज कैसे करना है, आपको इसका कैसे प्रॉफिट आपको इससे लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पहले आप एक गेम प्ले रिकॉर्ड करो, एंड उसमें आपको एक जो ग्लचेस वगैरह वाला मोमेंट होता है उसको आप यहाँ पे एक एडिट करो बहुत ही तगड़े, एंड वहाँ पे आप शॉर्ट्स में डालो। शॉर्ट्स में जाने के बाद क्या होता है गाइस कि वहाँ पे बहुत जल्दी वायरल होता है वीडियो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी अपलोड करो, एक वीडियो अपलोड किया एंड वायरल हो गया, वैसा नहीं। आप रेगुलर शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहो, वहाँ पे आप क्लचेस वगैरह ये सब अपलोड करो, एंड फिर वहाँ पे अगर एक भी वीडियो वायरल हो गई तो वहाँ से भी आपको सब्सक्राइबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस आपका जो गेम प्ले अगर लोग वहाँ देखेंगे तो उन्हें पसंद आएगा, तो आपके चैनल पर विजिट जरूर करेंगे। एंड जब आपके चैनल पर विजिट करेंगे तो उनको आपका कॉन्टेंट अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब करके जाएंगे, एंड आपको तो पता ही है कि सब्सक्राइब करके जाएंगे तो आपका तो चैनल धीरे धीरे बढ़ने ही लगेगा। तो आपको इन यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में भी अच्छे से आपको जानना है, एंड वहाँ पे भी आपको वीडियोस अपलोड करना है। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि है थंबनेल। एंड गाइस, अगर आपको इस पॉइंट को अच्छे से आप नहीं समझोगे ना, तो जो बाकी मैंने 3 पॉइंट समझाए ना, उसका कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला है, एकदम फालतू है वो, कोई भी एकदम कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ पे स्टार्टिंग में मेहनत करनी है वो है थंबनेल। आप एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सीखो गाइस। बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियोस पड़े हैं, आप वहाँ से जाके ट्यूटोरियल देखो, इम्प्रूव करने की थंबनेल कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि आपकी जो पहली वीडियोज़ होगी, 10वीं वीडियोज़ होगी, उस पर आपकी थंबनेल अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन आप कोशिश
कोशिश करो अच्छे से अच्छे बनाने का, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आप जाओ देखो बड़े यूट्यूबर्स कैसे थंबनेल अपने अपलोड करते हैं, आप कुछ उस टाइप का ट्राई करो, आप कुछ उस टाइप की सीखने की ट्राई करो। क्योंकि गाइस अगर आपके वीडियोस अगर आपने अपलोड किया, आपका कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर कोई आपको वीडियोस पे क्लिक ही नहीं करेगा तो आपको व्यूज़ मिलेंगे कैसे, सब्सक्राइबर मिलेंगे कैसे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है ना, वो है थंबनेल। तो आप एक क्रिएटिविटी वाली थंबनेल बनाना सीखो गाइस। क्योंकि गाइस अगर आपने थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाया है तो 10 लोगों के पास जाएगा तो उसमें से 2 लोग भी तो होंगे वैसे जो आपके वीडियोस को ओपन करेंगे। तो अगर आपका 2 व्यूज मिलता है तो आज 2 व्यू मिला तो कल 4 व्यू मिलेंगे, परसों 6 मिलेंगे, उसके बाद वैसे करते करते आपके व्यूज बढ़ेंगे, एंड व्यूज बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो इन सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखो गाइस। सो गाइज आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके अपने गेमिंग चैनल को ग्रो करा सकते हो। एंड कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइज, एंड आप मेहनत करो एंड एक ना एक दिन आपकी चैनल ग्रो जरूर करेगी। आप इन सब चीज़ों को एकदम अप्लाई करके जरूर देखो एंड फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज़ मुझे कमेंट में आपको बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियोज़, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।